बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज महाराज, खाने को कुछ बचा हो तो ले आओ। जी। अभी आए। पति कब गुजरे तुम्हारे? जी, वो जिंदा है। क्षमा करना, ये अनाथ आश्रम है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। महाराज, इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझा बेचारी कोई विधवा है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? जरा सुस्ता ले। अरे चंपा, बाई को पानी पिला। अरे तबीयत ठीक न हो तो काम पर मत आया करो गीता भाई, चले जा तू अपना काम कर। रोजंदारी पगार मैं खुद आकर तुम्हारे घर दे जाया करूंगा। इतना बड़ा काम चल रहा है, इसमें कौन पूछेगा इस मुकादम से? माँ माँ, उषा को फिर तेज बुखार है और रामेश की आंटी तुम्हें बुला रही है। रो मत बेटी, तुझे छोड़कर मेरा भी जी लगता है क्या? मैं खाना पकाती हूँ, फिर अपने घर जाकर खाकर साथ साथ सोएंगे। चुप। अरुण, तू यही उषा के पास बैठ। अच्छा। अरुण भैया, अरे डरती है, ये लोग कोई हमारे पर बम नहीं फेंकेंगे, ये लोग तो लड़ाई के मैदान में जाके बम फेंकेंगे। धड़ाम धुम धुम, धड़ाम धुम। इधर से निकल रहा था तो सोचा पूछता चलो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान कसम, ये मेहनत मजदूरी का काम तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए नहीं बना। देखो मुकादम, मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हें शोर मचा दूंगी। ऐसा गजब मत करना गीता भाई, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम ही बदनाम हो जाओगी और बस्ती वाले थक्के मार के बाहर निकाल देंगे। वैसे भगवान कसम गीता भाई, अगर तुम चाहो तो रोज खीर पकवा दूं तुम्हारे घर में, वादा रहा। छोड़ दो, मेरे पेट में बच्चा है। तो उसमें क्या हुआ? मैं बुरा नहीं मानता इस बात का, आखिर तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, कोई जोगन तो हो नहीं कि भजन गाकर उम्र काट दोगी। मुझे छोड़ दो, मैं इज्जतदार औरत हूँ। अब मान भी जाओ मेरी जान, नखरा और नमक थोड़ा ही अच्छा लगता है। मुकादम, तो यहाँ कैसे? अरे मैं तो गीता बाई की तबीयत का हाल पूछने चला आया था और इस कंबख्त छोकर ने। अरे भाइयों, भले का तो जमाना ही नहीं रहा। तू और भला आदमी, तेरी भलमनसाई सारी बस्ती ने देखी है कमीने, चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना इतने जूते मारूंगी कि कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा किसी शरीफ औरत को। शरीफ औरत और ये, अरे पूछो इससे कि इसके मर्द ने घर से क्यों निकाल दिया, कोई तो ऐब होगा इसमें। और अब बच्चा कहां से आ गया पेट में? गीता बहन, तुम पेट से हो क्या?
हाँ, अभी 3 महीने पहले तक वो मेरे साथ ही थे। और तेरा पेट रहते ही तुझे निकाल बार किया होगा, क्यों? अरे चक्कर चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चली आई होगी। चुप कर, नशा किया और लगा बड़बड़ करने। तू काहे को टैं टैं कर रही है बीच में? गीता बाई चल नाम ही बता दे मर्द का, कहाँ है, क्या करता है। मुझसे पूछो न काकी, पिताजी लड़ाई में गए हैं, फौज में है। अब किसे पता कोई मर्द मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए, मंगलसूत्र लटकाए, लोगों को फंसाती फिरती है। खाली करो बस्ती और चली जाओ यहाँ से, धंधा करने वाली औरत यहाँ नहीं चाहिए। भूखे, मेरी बेटी को बुखार है, मुझे कुछ काम मिल सकता है? कुछ भी, कैसा भी काम कर लूंगी, बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का। नहीं, हमारे घर में पहले से ही काम करने वाली है। भले घर की लगती है बाबूजी, मुसीबत में है बेचारी, हमें तो एक नौकरानी की जरूरत भी है, रख लीजिए ना। नहीं बहू, ये शादीशुदा है, जब इसका पति ही से नहीं संभाल सका तो भला हम कैसे संभालेंगे। हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। अरे तुम अभी तक गई नहीं? लगता है बड़ी परेशानी में है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, यहाँ कोई डॉक्टर है? हाँ हाँ, सामने ही डॉक्टर कोठारी हैं, आइए मेरे साथ चलिए, आइए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जवान औरत को देखते ही तुम्हारी समाज सेवा जाग उठती है। उसके गले में मंगलसूत्र है, उसका पति आके खुद संभालेगा। चलो तुम यहाँ से। अरुण, तू इसका ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी। ठीक नहीं हो।
चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चली आई होगी। किसे पता कोई मर्द मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए मंगलसूत्र लटकाए लोगों को फंसाती फिरती है। क्षमा करना, ये अनाथ आश्रम है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। मैं समझा बेचारी कोई विधवा है। हाँ अगर कोई मजबूर औरत होती विधवा होती तो बात और थी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी। खबर, आज की ताजा खबर। साहब, आज की ताजा खबर। बाप रे, इतने सारे रुपए! अब हम बोर्डिंग स्कूल से श्रीकांत भैया को ला सकते हैं ना माँ? नहीं बेटे, ये पैसे हमारे नहीं हैं। इसका मालिक तो बहुत दूर रहता है, जेएस आचार्य। बेवकूफ बुड्ढा, गधा कहीं का। जी अपने आप को बोल रहा हूं। हाँ? हंस रहे हो बनवारे बाबू? जी तनख्वाह काटो इसकी 35 साल तक। 35 साल तक? तब तक तो ये जिएगा भी नहीं बाबूजी। अरे मैं ही कौन सा जीऊंगा तब तक, लेकिन इसी की लापरवाही से मेरा पर्स खोया। पर्स तो आप ही के पास था बाबूजी। तो है? जब पता है तुमको कि मैं भुलक्कर हूं, बेवकूफ हूं, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बनवारी बाबू बस तनख्वाह काटो इसकी। 22,000 रुपए नगद थे और हीरे की अंगूठी, किसी भी तरह पर्स वापस मिलना चाहिए। मिलने से तो रहा बाबूजी, आज के जमाने में इतना माल हाथ आने के बाद कोई बेवकूफी उसे वापस करेगा? नमस्ते, जय आचार्य जी से मिल रहा है। हाँ मैं हूँ, बोलो। आप? मैं समझा कोई। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये पर्स आपका है। अरे ये पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? जहाँ आपने गिरा दिया था। मेरी माँ कहती है हाँ? कि जिसकी चीज हो उसे वापस कर देनी चाहिए। तुम्हारी माँ? वो है कहाँ? वो बाहर खड़ी है। मगर बाहर क्यों खड़ी है? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? नमस्कार। भीतर आओ, आओ ना, आओ आओ आओ। देखा अनुसुईया, हैं बेवकूफ लोग आज के जमाने में भी हैं। मिलो इस बेवकूफ लड़की से। हा? अरे सुनो सुनो, ठहरो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं भी वैसा ही हूँ बेवकूफ। कानपुर में कहाँ रहती हो? विधवाश्रम में। विधवाश्रम? इतनी छोटी उम्र में? बनवारी बाबू जी, वो विधवाश्रम के मैनेजर सुमन बाबू है ना उधर, उन्हें एक चिट्ठी लिखिए, चिंता न करें। इस लड़की को अब मैंने अपने पास रोक लिया है, आज से यह हमारे साथ रहेगी। नहीं मैं वापस जाऊंगी। मैं जाने दूंगा तब ना, मुझे बेवकूफों की सख्त जरूरत है। अब मैं और तुम दोनों बेवकूफ मिलकर इस किस्म की बेवकूफी का सारी दुनिया में प्रचार करेंगे। नाम नहीं बताया तुमने? गीता। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम ईमानदार हो, बल्कि इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में तुमने बड़े से बड़ा दुख देख लिया है, और दूसरों का दुख वही समझ सकता है जिसने खुद दुख उठाए हों। मुझ पर मेरे अपने ही दुख बहुत भारी हैं। अपने दुखों में तो सभी जीते मरते हैं बेटी, आदमी वो जो दूसरों के दुख जी ले। मुझे देखो, मेरी पत्नी, मेरी इकलौती बेटी कीर्ति मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई, फिर भी मैं जी रहा हूं। आज हमारी संस्था है समाज सेवा के लिए, फिर एक अस्पताल है, एक अपंग बच्चों का स्कूल है, एक महिलाश्रम है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा काम अब कर नहीं सकता, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगी, और ये दरखास्त नहीं है मेरी, हुक्म है, समझी? बनवारी बाबू जी, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। मगर हम श्री भैया का क्या करेंगे?
वो कौन है? वो मेरा बड़ा बेटा श्रीकांत, अरुण से बड़ा, बोर्डिंग स्कूल में है, मगर उसकी फीस बढ़नी बाकी है, इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल नहीं सकते। जी बनवारी बाबू जी, आप इनके साथ चले जाइए और श्रीकांत को भी ले आइए, वो और अरुण साथ साथ पढ़ेंगे। अरे अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। श्रीकांत, तुम्हारी माँ आई है तुम्हें लेने। धीरज रख बेटे, तेरे पापा गुजर। नो! पापा, पापा, पापा। ना रो, ना रो। वो देखो कौन आया है, तुम्हारी माँ, वो देखो। श्री भैया, पिताजी फौज में भर्ती हो गए थे, लड़ाई में मारे गए। पापा। मत रो बेटे, मत रो। बहादुर बाप के बहादुर बेटे होकर रोते हो, हैं? जाओ, जाने की तैयारी करो। इतना काम मत किया कर श्री। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, दिन रात तो तुम काम करती हो माँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले। अरुण उठो। उठो बेटे, पहले प्यार करो। चलो उठो। एक और बदमाश। चलो पी लो। दीदी, 5 नंबर कोर्ट का मरीज चल बसा। ओ, उसके घर वालों को खबर कर दीजिए। उसका कोई नहीं है। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाकर्म के लिए समिति कितने रुपए मंजूर करती है? 73 रुपए 50 पैसे। कैशियर से रुपए लेकर उस बेचारे का अंतिम क्रियाकर्म करवा दीजिए। बहुत अच्छा। मित्रों, पूरे 50 साल से मैं इस कुर्सी से चिपका हुआ हूं, अब इसे छोड़कर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हंस रहे हो, लेकिन मेरा फैसला पक्का है, अब मैं और काम नहीं करूंगा। सेवा समिति और कीर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का सारा बोझ किसी और के गले में पहनाकर मैं छुट्टा हो जाऊंगा, बल्कि उस व्यक्ति को भी मैंने चुन लिया है जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है और जिसे काम का अनुभव भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी पसंद को स्वीकार करेंगे। आज से हमारी संस्था की अध्यक्षा होंगी हमारी संस्था की प्रिय सदस्य श्रीमती गीता देवी। दीजिए बाबूजी, मैं इस लायक नहीं हूं, इनाम की नहीं सजा की हकदार हूं मैं।
अरे अरे गीता बेटी, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाबूजी। मैं विधवा नहीं हूं, पति के होते हुए मैंने विधवा का भेष धारा है। गीता, मैं जा रही हूं बाबूजी, अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाओगी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो, सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती, तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसा क्यों किया तुमने। पति के होते हुए विधवा का भेष, आखिर क्यों? कौन है तुम्हारा पति, कहां है, नाम क्या है उसका, बोलो। बलवंत भार्गव। देखती है ये तेरे पति देव है घर में है, चिल्लाइए मत, बच्चे जाग जाएंगे। ससुरी पाव की जूती सर पर जाके बोलने लगी है, अरे क्यों नहीं चिल्लाएंगे, किसी के बाप का खाते हैं क्या, सारी पीपल मैं देखो हाथ छोड़ती हूँ, पड़ोसी क्या सोचेंगे, भगवान के लिए चुप। ऐसे बोल मेरी चंद्रमुखी, ऐसे बोल, क्या गई जल निकाल मेरी पारो, थोड़े से रुपए निकाल। सुनिए, रुपए कहाँ है मेरे पास, कब से इस घर का किराया तक नहीं दिया, और श्रीकांत के बोर्डिंग स्कूल से फिर चिट्ठी आई है, 5 महीने से फीस नहीं भरी उसकी, और आप तो बहस करती है, क्या कहीं बलवंत भागल से बहस करती है, तेरे को हमने बोला था कि उसे अंग्रेजी स्कूल में डाल। अरे भगवान, आज तो यही चलेगा। नहीं। क्या गई, नहीं तूने नहीं बोली, बलवंत भार्गव के खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने अपने पति को ना नहीं बोली। एक बार हमारी दादी ने हमारे दादा को ना कही थी, तो मालूम हमारे दादा ने क्या किया, हमारी दादी की जबान काट दी, आज हम तेरी काट देंगे। जागू जागू का छोड़ दीजिए, ताड़न की। पापा, खबरदार, छोड़ दो मेरी माँ को वरना चाकू मार दूंगा। दे दो चाकू। कश्यप की औलाद कैसी बात करते है पापा से, तो और कैसी बात करता है ऐसे पापा से, मुंह तोड़ के रख दूंगी, बड़ों के बीच बात करता है, चल अंदर जाके सो जाओ अंदर जाके। नौटंकी तो देखो मेरे बेटे पे, क्या गए, पहले तो बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ा दी, उसके बाद चालाकी दिखा दी, अरे मैं खूब समझता हूँ तेरा ये लक्षण, ये तेरा चरित्र नहीं चलेगा मेरे साथ, क्या गई ये